मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। मंगलवार शाम 4:30 बजे नए मंत्रियों के नाम की होगी घोषणा। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बीजेपी के कई बड़े चेहरे रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नवनियुक्त सीएम नायब सैनी का घरोड़ा में होगा अभिनंदन। 6 से 7 विधायकों को दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल का मंगलवार शाम 4:30 बजे विस्तार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पूर्व सीएम मनोहर लाल और नए सीएम नायब सैनी के अभिनंदन कार्यक्रम में करनाल के घरौंडा में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 6 से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें कम से कम 2 निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। प्रथला के विधायक नयनपाल रावत या फिर सोहना के विधायक संजय सिंह को बनाया जा सकता है मंत्री। सीमा तिरखा असीम गोयल कमल गुप्ता में से किसी एक को बनाया जा सकता है मंत्री। अभय सिंह यादव को भी दिया जा सकता है मंत्री पद। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। बड़खल विधानसभा से विधायक सीमा तिरखा और कमल गुप्ता या असीम गोयल में से किसी एक को मंत्री पद दिया जा सकता है, जबकि सोहना से बीजेपी के विधायक संजय सिंह या निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत में से भी किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन को मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किस किस विधायक को मंत्री पद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, चंडीगढ़। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।